अंतर्यामी। मेरे बंधुओं, आज हम जिस महापुरुष, जिस परमात्मा के जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं कहता हूं वो महापुरुष अजन्मा है। जन्म तो वो लेता है जो मरता हो। भगवान कहते हैं कि यह धर्म मंगल है, बहुत मंगल है, लेकिन कौन धर्म? अहिंसा, संयम और तप का। अहिंसा से लो, जैसे अहिंसा एक केंद्र है, इसीलिए अहिंसा परमो धर्म। सबसे अधिक महावीर अगर किसी चीज पर जोर दिए हैं तो वो अहिंसा। जानते हो क्यों? अहिंसा का अर्थ इतना ही नहीं कि मच्छर को मत मारो। महावीर कहते हैं कि अहिंसा केंद्र है, तप जो है वो परिधि है, और संयम केंद्र और परिधि को मिलाने वाला सेतु है। अगर सही तरह से देखो तो जानते हो क्या कहेंगे? अहिंसा आत्मा, संयम प्राण और तप शरीर। तो तप और अहिंसा, शरीर और आत्मा को जोड़ने का कार्य प्राण करता है। ये जो प्राण है, हो सकता है अगर तेरी प्राण निकले, शरीर भी यही रहे, आत्मा भी यही रहे, और सांस बंद हो जाए तो तुम्हारे किसी काम के नहीं। संयम जोड़ता है उसको। तो कहते कौन धर्म मंगल है? जिसमें अहिंसा हो, तप हो, संयम हो। अब अहिंसा, तप और संयम का अर्थ ये नहीं कि परतंत्रता, यह नहीं है। यह प्योर स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। इसलिए कि महावीर जैसे व्यक्ति किसी को परतंत्र बना ही नहीं सकते, जो खुद नहीं। और एक कवि का कहना था कि एक घड़ी की परवस्ता भी कोटि नरक के सम है, पल भर की स्वतंत्रता भी सौ स्वर्गों से बढ़कर है। एक घड़ी भी अगर हम परतंत्र होकर के जी लेते हैं तो करोड़ों नरक के समान होता है, और एक पल भी हम उन्मुक्त, खुश और स्वतंत्र होकर जी लेते हैं तो वह हजारों लाखों स्वर्ग के समान होता है।